सो हेलो गाइस, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ 15 चैलेंजेस के बारे में, जो आपके नॉर्मल जो ट्रेनिंग ड्रिल्स हैं उससे काफ़ी अच्छे हैं और आपको प्रैक्टिस करने में बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो मैं कुछ रूल्स बता देना चाहता हूँ इन चैलेंजेस को करने के लिए। आपको इन चैलेंजेस को एकदम एफिशिएंटली करना पड़ेगा और बहुत दिनों तक करना पड़ेगा। ठीक है, कंसिस्टेंट से अगर नहीं हुआ तो ये चैलेंज काम नहीं, मतलब प्रैक्टिस काम नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा पहला चैलेंज है ओनली TPP। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको सिर्फ TPP लेने से मानना होगा, जैसे कि आपको स्कोप को खोलना नहीं होगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। आपको 10 मैचेस खेलने हैं TDM में, या फिर आप एक दिन के लिए, ठीक है, जितने भी TDM खेले, ठीक है, उसमें सभी के सभी सिर्फ TPP लेके खेलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कर पाए तो आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा और TPP में आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसिफिक गन्स। ठीक है, स्पेसिफिक गन्स अब इस कैटेगरी में क्या होता है? ठीक है, आप जैसे कि जानते हैं पबजी मोबाइल में बहुत सारे गन्स की कैटेगरी है। ठीक है, शॉर्ट गन्स, एमओ, मतलब सॉरी शॉर्ट गन्स, एस्कॉर्ट राइफल, स्नाइपर राइफल, DMR, पिस्तौल, बहुत कुछ है। ठीक है, अब इनमें से आपको एक गन चूज करना होगा, आपको 5 मैच खेलना होगा। ठीक है, उससे, ठीक है, तब उस गन को चेंज करना होगा। ठीक है, आपको हर गन को ऐसे करना है। ठीक है, मैं नहीं जानता ये इस स्टेप को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, लेकिन आपको करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप कहीं पर, अगर सोच लीजिए कहीं पर आप लैंड किए और आपको कोई अपना पसंदीदा गन नहीं मिला। ठीक है, आपको कोई भी गन से उसको मारना पड़ेगा, इसलिए आप प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, जो भी हो, अब आते हैं थर्ड चैलेंज के ऊपर। ठीक है, यह है सोलो वी स्क्वाड। आपको आर्केड में जाना है, क्विक मैच पे जाना है, फिर सोलो वी स्क्वाड करना है। ठीक है, उसमें आपको चिकन की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, ठीक है, चिकन की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, आपको सिर्फ रश करना है, सोलो वी स्क्वाड खेलना है अकेले। ठीक है, कोई मतलब सिर्फ मतलब ये बहुत ही अच्छा है, मुझे ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब आता है FPP चैलेंज। ठीक है, इसे क्या करना है? ठीक है, अब जैसे कि जब जानते हैं TDM में FPP है। ठीक है, FPP मोड है। ठीक है, TDM में आप अगर जाए तो TPP है, FPP है। नॉर्मली हम TPP खेलते हैं, लेकिन आपको अभी FPP खेलना पड़ेगा। ठीक है, FPP आप 10 मैच खेल के देखिए। ठीक है, या एक दिन के लिए देखिए, देखिए आपको कैसा लगता है। ठीक है, अब वही चैलेंज आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप TPP में ही खेले, मतलब TPP परस्पेक्टिव में ही खेले। आप हर एक बंदे को स्कोप ऑन करके मारिए। ठीक है, हर एक बंदे को, पास, दूर, हर एक। ठीक है, हर एक आपको ऐसे करना है। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पे। अब आता है ओनली पिस्टल। ठीक है, पिस्टल बहुत ही काम का चीज़ है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि आप स्नाइपर लीजिए एक बोल्ट एक्शन TDM में। ठीक है, उसके साथ सेकेंडरी स्लॉट पे एक लीजिए एक पिस्तौल। ठीक है, बहुत सारे पिस्तौल है, 4 या 5 पिस्तौल है। आप जो भी अपने पसंदीदा अपनी गन ले लीजिए और उससे उस 10 मैचों के लिए सिर्फ पिस्तौल यूज़ कीजिए। ठीक है, सिर्फ पिस्तौल। अब वेरी सिमिलर आता है शॉर्ट गन। ठीक है, आप 3 शॉर्ट गन है, जैसे कि आप TDM में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब 3 शॉर्ट गन में से आपको चेंज करने, आपको जो भी पसंद है आप चेंज करते करते मार सकते हैं। ठीक है, तीन शॉर्ट गन से, ठीक है, जो भी हो आप चेंज करके मार सकते हैं। 3 शॉर्ट गन्स को आप ले लीजिए और 10 मैच के लिए आप शॉर्ट गन्स प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये बहुत ही काम आएगा आपसे। क्लोज रेंज के लिए कैसे बंदा बैठता है आप अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, अब आता है नो साउंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक काम कीजिए, सेटिंग में जाइए, फिर ऑडियो में जाइए, फिर जो जितने भी साउंड के ऑप्शन है सबको डिसेबल कर दीजिए। ये इसमें क्या होगा कि आप सिर्फ अपने मतलब जो आँख है उससे आपको बंदा देखने में आसानी होगी। ठीक है, आपको तब साउंड को उतना प्रायोरिटी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने आँखों से ही जल्दी से मार सकते हैं। ठीक है, मतलब ये बहुत ही है, अगर इस पे कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न नहीं है, लेकिन ये बहुत ही काम का चीज़ है। ठीक है, जो भी हो, अब आते हैं नॉर्मल पे। ठीक है, अब ये नॉर्मल, ये चैलेंज बहुत ही, अब ये बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको ऐसे करना है कि आप जो भी गन लीजिए, असॉल्ट राइफल लेना पड़ेगा। ठीक है, जो भी गन लीजिए, ठीक है, आपको सिर्फ हेड पे मारना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ हेड, नो बॉडी, सिर्फ हेड। ठीक है, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, आप कर सकते हैं बहुत ही, आप अगर चाहें तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, आप इस चैलेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं, आप क्रिएटिव बन सकते हैं। ठीक है, न्यू न्यू वेज में डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी है,
अब कर सकते हैं। अब आता है M16, ठीक है। M16 जैसे कि जानते हो तुम लोग, अगर आप चलाना जानते हैं तो बहुत ही डेडली गन है, बहुत ही अच्छे से मार सकता है। अब आप एक काम कीजिए, M16 को लीजिए, उसको सिंगल टैप पे मोड पे रखिए, फिर ठीक है आपको उसको असॉल्ट राइफल के कैटेगरी में चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब TDM में जाइए, इसको ऐसे चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो भी है ये बहुत ही आसान है। अब आता है आयरन साइट, ठीक है। आप आयरन साइट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो भी गन है, ठीक है, हर एक गन में आयरन साइट होता है, ठीक है। अगर आप स्कोप को हटा लेते हैं तो वो गन आयरन साइट गन हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना है कि आप जो भी गन आपका पसंदीदा गन है, ठीक है, लेकिन एक गन को हर एक मैच में यूज़ नहीं करना, ठीक है। 5 मैच में यूज़ करिए, फिर गन चेंज कीजिए, ठीक है। अब क्या करना है कि आप गन लीजिए, उसके स्कोप को मतलब उसके हटा दीजिए और उस आयरन साइट से मारिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस, ठीक है, क्राउच प्रोन जंप। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप जानते हैं, अगर आप मैच पे जाते हैं तो आपको बहुत भी काम में आएगा ये। आप अगर कोई बंदा पास पे है तो आप अगर प्रोन कर जाए, जंप कर जाए या क्राउच कर जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही डेडली सिचुएशन से बचा सकता है, ठीक है। आप इससे स्क्वाड वाइप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे क्या करना है, इसे आप ट्रेनिंग मोड में जाइए, ठीक है। आप इसे बहुत देर तक 3 घंटे या 4 घंटे तक प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ गन लीजिए, क्राउच करके मारिए, फोन करके मारिए, जंप करके मारिए, कुछ भी नहीं करना है, एक दिन नहीं करना है, ठीक है। 2-3 घंटा करो, या फिर आप हर दिन 1 घंटे 1 घंटे के लिए कर सकते हैं, 7 दिनों के लिए, जो भी इच्छा, ठीक है। अब मैं सिर्फ चैलेंज बता रहा हूँ, रूटीन आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं होता किसी को रूटीन बनाने वाला, ठीक है। मेरा टाइम आपसे नहीं मिल सकता, ठीक है, मेरा अलग टाइम है, आपका अलग टाइम है, ठीक है, जो भी हो। अब ये करना पड़ेगा, अब आपको जो ये इस चैलेंज को, इस स्पेसिफिक चैलेंज को आप ट्रेनिंग मोड में कर सकते हैं, आप TDM में भी कर सकते हैं, ठीक है, जो भी इच्छा है, ठीक है। आप हर एक स्कोप को लीजिए, ठीक है, हर एक गन में बैठाइए, ठीक है, हर एक गन में बैठाइए जिस पे वो शूट करता है, आप उससे खेलिए, ठीक है, हर एक गन से, दूसरे गन से 10 मैच खेलिए, ठीक है, हर एक स्पेसिफिक स्कोप से, जैसे कि होलो, रेड डॉट, 6x, 4x, 3x, 8x तो नहीं होगा, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। आप ट्राई कीजिए, हर एक गन पे बैठाइए, आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन कीजिए, ये आप कर सकते हैं, ठीक है, इस पे आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आता है कलर चेंज, ठीक है, ये कैसे करना पड़ेगा। आप अपने स्कोप में जाइए, ठीक है, स्कोप जो भी आपका कलर है स्कोप का, उसे आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास रेड कलर का स्कोप है, उसे आप ब्लैक कर दीजिए, अगर ब्लैक है तो वाइट कर दीजिए, जो भी हो, ठीक है, दो दिन करके चेंज कीजिए, ठीक है। अब इसे आप मुझे नहीं लगता ये आप ज़्यादा याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसे मैं भी नहीं ज़्यादा इतना प्रायोरिटी देता, ठीक है, उतना मतलब इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यार इसमें कोई ज़्यादा रीज़न नहीं है, प्रोसेसर पे ज़्यादा अपना आपका ध्यान आएगा, ठीक है, जो भी हो, यह बहुत ही काम का चीज़ है। अब आता है आपको, अगर आप कर सकते हैं, ठीक है, आप तो जानते हैं एक गेम को अगर मास्टर करना होगा, जानते हैं ये एक रूल है गेमिंग का, ठीक है। अगर आप किसी भी गेम को मास्टर करना चाहते हैं तो आपको उस गेम पे 4000 घंटे देना पड़ेगा। अब 4000 घंटे मतलब बहुत होता है, मुझे नहीं पता अब 4000 घंटे आप कैसे दे। अगर आप सिर्फ पागलों की तरह से हर दिन क्लासिक खेलते रहें, नूबरों की तरह, तो आप कभी भी प्रो प्लेयर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। आपको मतलब अच्छी जगह पे काम करना पड़ेगा, जैसे कि आप सोच लीजिए ट्रेनिंग मोड, ठीक है, ट्रेनिंग मोड में आप 2-3 घंटे बिताइए हर दिन, ठीक है, मिनिमम 1 घंटा तो बिता ही दे, ठीक है। सारा दिन क्लासिक खेलने के लिए सारा दिन है, आपको कोई किसी मतलब 4 घंटे खेल लिया फिर आपका कोई फ़ोन ले तो नहीं रहा, ठीक है। अब आपको खेलना है, अब आता है आपको हर एक गेम में रश करना है, ठीक है, एक्सेप्ट क्लासिक, ठीक है। क्लासिक मोड इतना मैटर नहीं करता क्योंकि उसमें आपका KD भी निकल सकता है, और क्या कहते हैं उसे,
किल रेटिंग भी कम हो सकता है, ठीक है। तो उसमें रश नहीं करना है, लेकिन उसके सिवाय हर एक मोड में रश करना, ठीक है। ये बहुत ही काम का चीज़ है, तो आप कीजिए ये 15 चैलेंज आप कीजिए। मैं भी ये कर रहा हूँ, मैं भी इस रूटीन को बहुत ही देर से फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप करके कमेंट में बताइए अगर मैंने कुछ गलत किया, अगर कहीं कुछ सही किया, अगर आपने कुछ कुछ सीखने को मिला तो वो भी मुझे बताइए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे इन होम, स्टे सेफ़।